मीडिया में एंकर ही है जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपने डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, तो क्या 75 सीटों की एवज में देश बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री ने। दूसरा, जब ऑक्सीजन तक कोर्ट से मांगना पड़े तब देश में सरकार कहां। तीसरा, लोग मरते रहे वह चुनाव लड़ते रहे। चौथा, कैसे लोगों को बचाने से ज्यादा जरूरी हो गए आंकड़े छुपाना। और पांचवा, सिस्टम बिना विजन, पहले वेंटिलेटर अटका अब ऑक्सीजन। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो के जरिए ऑक्सीजन की कमी और सरकार की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, कल तक हम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपाते थे, आज हम मौत के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि अर्थव्यवस्था चकाचौंध में डूबी हुई है, आज की परिस्थिति में हमें छुपाना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर में दवाई ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, हर जगह कतार लगी हुई है, चाहे दवाई चाहिए, चाहे अस्पताल के बेड की जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर शमशान में जलते हुए शवों को गिनना शुरू कर देंगे तो शायद सरकार के आंकड़ों के वह पार निकल जाएगा। हर चीज इस देश में छुपा कर परोसी जा रही है और इस परिस्थिति के भीतर में शब्द बेअसर हो चले हैं। इस देश के भीतर के संस्थान अपनी साख को खत्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, पानी सिर से ऊपर, ऑक्सीजन कहां। दूसरा, देश में लगे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। तीसरा, वैक्सीनेशन में हो रही है मुनाफाखोरी। चौथा, देश में दीवाने आम दीवाने खास क्यों। और पांचवा, कोरोना ले रहा था अंगड़ाई, अस्पताल हो रहे थे बंद। कोरोना देश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। संदीप चौधरी लगातार ऑक्सीजन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से सवाल भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। जिम्मेदारी किसकी है राजीव जेटली? देखिए, अस्पताल कहता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं जितनी ऑक्सीजन हमने मांगी है, हाईकोर्ट ने भी जिस बारे में लताड़ लगाई है, उतनी हमें नहीं मिलती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है राजीव जेटली? प्रदेश के प्रति मेरी संवेदनाएं होनी चाहिए, मेरे अंदर थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। मैं एकदम जंप करके ब्लेम गेम पे आ गया। आज किसी को पसंद नहीं आ रही ये बातें। ये पहले अगर 10-15 दिन पहले आपने कही होती ना केंद्र की और राज्य की सरकार की बातें, तो शायद पहले तो आपकी बातें डाइजेस्ट हो जाती। सीधा वही आपने दे दी। हाईकोर्ट 20 तारीख से लगातार लताड़ लगा रहा है। 350 मीट्रिक टन मिल रही थी, 490 की बात थी, अब 490 भी नहीं मिल रही है, जबकि डिमांड पहुंच चुकी है 960 मीट्रिक टन की। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रक भी करेगी दिल्ली सरकार। ऑक्सीजन ये क्या पैदा करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अब बात मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं जी न्यूज के पत्रकार अमन चोपड़ा की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, वैक्सीन कम, कोरोना कैसे होगा खत्म। दूसरा, वैक्सीन क्रांति से कोरोना पर विजय। तीसरा, कोरोना पर सनसनी वाला टूलकिट। चौथा, दुनिया भारत के संग, विपक्ष के अलग रंग। और पांचवा, वैक्सीन पर इतना कंफ्यूजन क्यों। अमन चोपड़ा ने वैसे तो काफी मुद्दों पर डिबेट की जैसे कि आपने देखा, खैर वह कोरोना के मुद्दे पर भी डिबेट कर रहे हैं और एक डिबेट में वह विपक्ष पर सवाल भी उठा रहे हैं। अलग ही माहौल बनाया गया था ना कि भारत ने दुनिया की मदद क्यों की। याद करिए, बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जरूरत थी दुनिया की मदद करने की, क्यों 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दुनिया को दे दी, क्या जरूरत थी दानवीर बनने की। भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक है, तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम का मजाक बनाया गया, बहुत मजाक बनाया था। क्या जरूरत थी 6-6.5 करोड़ की मदद करने की, अकेले लड़िए। आज वसुधैव कुटुंबकम का नतीजा दिखिए, ना सिर्फ भारत के वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाया गया बल्कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति का मजाक भी बनाया गया था। लेकिन कल ध्यान से सुनिएगा, कल मोदी और बाइडेन की बातचीत और उसके बाद बाइडेन के ट्वीट ने सबके मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है मदद की, वसुधैव कुटुंबकम का मजाक उड़ा रहे थे, बाइडेन ने कहा कि भारत हमारे साथ था, अब हम भारत के साथ हैं। शब्द ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि भारत हमारे साथ था, अब हम भारत के साथ हैं। अब बात करते हैं आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला,
युवाओं में कोरोना फैलने की क्या है बड़ी वजह? दूसरा, अलविदा रोहित सरदाना, भावक हुए सभी गेस्ट। तीसरा, एक विधायक का ये हाल तो आम जनता कितनी होगी बेहाल। चौथा, ऑपरेशन ऑक्सीजन तेज, कब खत्म होगी देश में किल्लत। और पांचवा, वीआईपी का इलाज, गरीब बेहाल, ऐसा ना करो मिलावट। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख अंजना ओम कश्यप ने इस मुद्दे पर डिबेट की और सरकार के नेताओं से सवाल भी किए। देखते हैं उनकी एक डिबेट। जी हाँ, ऑक्सी वॉर की स्थिति देश में आ गई है। ऑक्सीजन आखिर कैसे मिले, देखिए आंकड़े अब देश में कैसे 3.5 लाख के पार तो हो ही चुके हैं। कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 3,000 के पार हो गया है। ऑक्सीजन की कैसे होगी आपूर्ति, कैसे मरीजों का होगा इलाज, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को कब मुहैया कराएगी? क्या जानबूझकर दिल्ली के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जिसकी भरपाई दिल्ली की जनता कर रही है? अस्पतालों की हालत देखिए, एक सेकेंड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लेकिन कहाँ है ये अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों 2-4 घंटे के ऑक्सीजन पर यहाँ काम कर रहे हैं अस्पताल? नूपुर शर्मा जी, उसके बाद मेरी आगे बात, आज उच्च न्यायालय ने आपसे पूछा है। आपने खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को अपने लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।